कि आपके पास अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज है, मान लो क्यू इज अ पॉइंट चार्ज, आप इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर मुझे ई की वैल्यू बता दो। आप कहोगे इसमें क्या बताना, ये तो वैल्यू पता है मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r2। नहीं, आप ऐसे नहीं बताएं मुझे, क्योंकि वो जो फॉर्मूला मैंने करवाया था वो बाय यूजिंग कूलम लॉ था। तो अब क्योंकि कूलम लॉ आपको प्रूव करना है, तो अब आप वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो आप मुझे अब फिर से ई की वैल्यू को डराइव करके बताएं, इसकी वैल्यू को प्रूव करके बताएं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r2 होती है, या आप मुझे करके दिखाएं, लेकिन बाय यूजिंग क्या, गॉस थ्योरम, नॉट बाय यूजिंग कूलम लॉ। तो आप पहले गॉस थ्योरम को यूज करके ई की वैल्यू बताएं, फिर मैं यहां पर एक इमेजिनरी चार्ज रखूंगा क्यू नॉट, या टेस्ट चार्ज रखूंगा क्यू नॉट, और पूछूंगा कि यहां पर आपने ई निकाल लिया तो इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, तो आंसर क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ई। और जब मैं यहां पर ई की वैल्यू को पुट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/Q0/r2। तो अपने आप कूलम लॉ प्रूव हो जाएगा, ठीक है यहां तक। तो अब पहला काम क्या है, हमें क्या निकालना है, ई की वैल्यू को निकालना है। तो ई की वैल्यू को अगर मुझे निकालना है, तो ये कोई स्फेयर नहीं है, प्लीज, ये एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है। इमेजिन करें आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, आप स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई निकालना चाहते हैं, आप क्या लेंगे वहां पर, एक गॉसियन सरफेस डीएस। अब आर डिस्टेंस दूर ये गॉसियन सरफेस है, आर डिस्टेंस दूर ये गॉसियन सरफेस है, आर डिस्टेंस दूर ये गॉसियन सरफेस, गॉसियन गॉसियन, सभी गॉसियन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इमेजिनरी स्फेयर, ठीक हो गया। तो इमेजिनरी स्फेयर हो गया एक, तो ये इमेजिनरी है गॉसियन स्फेयर, एक्चुअल में स्फेयर नहीं है। तो आपने क्या किया, क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज आपको गिवन है, आर डिस्टेंस दूर आपने एक स्मॉल गॉसियन ली डीएस, डीएस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कई लोग ये सोचते हैं कि परपेंडिकुलर तो पीछे भी हो सकता था, ये आगे क्यों लिया, जो एरिया वेक्टर है किसी भी सरफेस के आउटवर्ड बनता है, इनवर्ड नहीं बनता। जैसे स्फेयर है उसकी सरफेस के बाहर बनेगा, अंदर की तरफ नहीं बनेगा, तो इसलिए हमेशा आउटवर्ड रहेगा, क्लियर है। तो ये आउटवर्ड है डीएस, और जहां ई निकालना है वहां प्लस वन, तो क्यू प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल। तो ई वेक्टर कहां होगा, टुवर्ड्स राइट, तो ई और डीएस में एंगल क्या होगा, जीरो। तो क्या है पॉइंट, क्लियर है, ई और डीएस में एंगल क्या हो गया, जीरो। तो उस स्मॉल सरफेस का स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो। तो ई डी एस कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो स्मॉल फ्लक्स की वैल्यू आ गया टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन, तो टोटल फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब इसके डीएस की इंटीग्रेशन क्या होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने इस पूरे इमेजिनरी स्फीयर का क्या निकाल दिया, फ्लक्स निकाल दिया। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, इस क्लोज बॉडी के अंदर कितना चार्ज है, तो मुझे क्या दिख रहा है यहां पर, क्यू चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट, तो किसकी वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई। रिजल्ट तो मुझे पता ही है क्या आना है, रिजल्ट तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r2 ही आना है, पर मैं यूज नहीं कर सकता था क्योंकि वो रिजल्ट मेरे पास कहां से आया था, बाय यूजिंग कूलम लॉ। तो अब मैं ये यूज करूंगा क्योंकि मैंने रिजल्ट कहां से प्रोड्यूस किया, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो ये वैल्यू आ गई। अब मान लो जहां पर आपने ई निकाला वहां आपने चार्ज कर रखा क्यू नॉट, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो ई की वैल्यू को आपने पुट किया, तो यहां से Q नॉट इंटू दिस E, तो आंसर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर। तो दिस इज फाइनली कूलम्स लॉ। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक कि कूलम लॉ क्या है बेसिकली, इसमें कोई डाउट इसमें।